पोर्टुगीज़ पहले क्या हुआ, वास्को डी गामा ने 1498 में सी रूट डेवलप कर लिया, डिस्कवर कर लिया इंडिया तक का, यूरोप से लेकर इंडिया तक का। उसके बाद फिर से वो सेकेंड टाइम 1502 में आया था, मतलब 2 बार ये वास्को डी गामा आया था। पहली बार आया था लगभग 6 महीने रहा था, दूसरी बार भी आया। इसके बाद क्या करना है उसने, तो कैलिकट, कोचिन और कैनोर में इसने अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया। पहला जो आया था गवर्नर वो फ्रांसिको डी अल्मेदा, 1505 से 9 तक पहला गवर्नर था पोर्टुगल का। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई जिसको कार्डजे सिस्टम भी बोला जाता है। उसके बाद आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515। ये एक्चुअल में पोर्टुगीज पावर इंडिया में फाइन करने का फाउंडर बोला जाता है। इसने गोवा कैप्चर कर लिया किससे, बीजापुर के किंग से। इसने मुस्लिम को मारना शुरू किया, भटकल को कैप्चर कर लिया कहाँ से, श्री कृष्ण देव राय केडीआर, जो आपका विजयनगर का था बहुत बड़ा राजा, मतलब विजय डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा था ये केडीआर, उससे इसने भटकल को कैप्चर कर दिया। और इसने क्या एक पॉलिसी बनाई कि लोकल लोगों से, मतलब पोर्टुगीज जो यहाँ पे थे आ रहे थे, उन लोग वो उनको मोटिवेट किया कि यहाँ के लोकल लड़कियों से शादी करें, वो मैरिंग विद द नेटिव्स ऑफ इंडिया। और इस सती को बैन कर दिया था जहाँ जहाँ ये इसका प्रभाव था, जैसे गोवा एरिया में था, भटकल में, ये सब एरिया में इसने सती प्रथा को बैन कर दिया। इसके बाद आया नीनो दी क्यूना, 1529 से 38 था। इसने क्या किया था, गोवा तो यहाँ पे जीता गया था, मगर इसने कोचिन से गोवा कैपिटल शिफ्ट किया था 1530 में। इसने दीव बसाइन को भी कैप्चर कर दिया गुजरात किंग से। गुजरात का उस किंग कौन था, बहादुर शाह था, और उसको मार दिया था कब, 1537 में दीव में।